तो स्वागत है आप सबका आज इस सेकेंड वीडियो में, पार्ट टू। जैसे कि मैंने कहा था कि पहले पहले वीडियो में पार्ट वन मैंने डाला है, तो देखिए हमारी ट्रेन अब कितनी बढ़िया स्पीड पर चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो ये भोपाल शताब्दी का सफ़र है, जैसे कि मैंने बताया था आप सबको। जिसने भी अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है, पार्ट वन देख लीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि पार्ट टू में हम लोग कहाँ की तरफ जा रहे हैं। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कि हम लोग भोपाल की ओर जा रहे हैं, और ये शताब्दी एक्सप्रेस है, भोपाल शताब्दी। तो इस वीडियो में हम लोग मथुरा तक जाएंगे, मथुरा जंक्शन तक, और अगले वीडियो में मथुरा से आगे का सफ़र तय करेंगे। तो स्पीड देखिए कितनी बढ़िया स्पीड है। तो किसी ने डब्बे काउंट करे या नहीं करे, कितने डब्बे हैं ये देखिए, इंजन कितने बढ़िया, कितना बढ़िया आवाज़ है, ये देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा साउंड आ रहा है डब्बों का। तो आप में से किस किस ने ये ट्रेन में सफ़र किया है ज़रूर बताइएगा, भोपाल शताब्दी में। और आप नीचे देख सकते हैं, टाइमिंग भी देखिए, टाइमिंग एकदम जो रियल ट्रेन का टाइमिंग है, एकदम वही टाइमिंग है। नीचे आप देख सकते हैं, ये देखिए हम लोग इंजन के अंदर का था, ये देखिए बाहर का व्यू एक बार देखते हैं कैसा लगता है। ये इंजन गया, ये जनरेटर कार, और ये डब्बे जा रहे हैं। तो ये शताब्दी में भी अलग अलग क्लासेस होती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव क्लास और एक इकोनॉमी क्लास अलग अलग होता है। और कैटरिंग सर्विस भी होती है इसमें। तो देखिए हम लोग अभी एक स्टेशन पार कर रहे हैं, ये साइड में गरीब रथ के कोचेस खड़े हुए हैं, लगता है कोई बड़ा स्टेशन है। देखिए आगे लेफ्ट साइड में ब्लू कलर के ICF कोचेस भी खड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं ये तो कोचेस। देखते हैं हम लोग यहाँ पे रुकेंगे या नहीं, वैसे तो हमारा स्टॉपेज नहीं है, यहाँ पे तो ग्रीन सिग्नल है, हम यहाँ से बिना रुके निकल जाएंगे यहाँ से। देखिए हम लोग को प्लेटफॉर्म भी नहीं है, बीच में से ही निकल रहे हैं हम लोग। तो ये स्टेशन है हज़रत निज़ामुद्दीन। तो आप में से जो लोग ट्रेन में सफ़र किए हैं बताइएगा ज़रूर, कौन कौन हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे गया है, और कहाँ से कहाँ की ट्रेन उसने वहाँ से ली है, बताइएगा ज़रूर। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है ट्रेन का, जनरेटर कार, ब्लू LHB कोचेस। तो जैसे कि अगर जिसने भी शताब्दी में सफ़र किया है तो वो जानता होगा कि पहले जो शताब्दी के कोचेस होते थे वो थोड़ा पर्पल कलर और बीच में येलो कलर, जो कि ICF कोचेस होते थे। बाद में जब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो अब ये ब्लू कलर के LHB कोचेस आए हैं, जो कि सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं और हाई स्पीड पे चलते हैं, तो इतना झटके भी नहीं लगते जैसे कि पहले वाले में थोड़ा होता है झटके। अगर इस ट्रेन में अगर आप एक पानी का ग्लास भी रख देंगे तो वो भी पानी आप देखिएगा कि ज़्यादा हिलेगा नहीं, मगर जो पहले के कोचेस थे उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हिल जाता है पानी भी। देखिए कितना बढ़िया कर्व है। तो आप में से कौन कौन ये ट्रेन में सफ़र किया है बताइएगा ज़रूर। ये देखिए जनरेटर कार। तो आप लोग अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा आगे कौन से ट्रेन के मैं डालूं वीडियोस। और ये बताइएगा ज़रूर, ये लास्ट डब्बे के पीछे X का मार्क क्यों रहता है, मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग हैं जिनको मालूम है कि X का मार्क का मतलब क्या होता है। ये देखिए एक व्यू, ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है और नीचे ट्रेन।
देखिए आगे देखें तो काला धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है, मतलब कि कोई डीजल लोकोमोटिव वाली ट्रेन आने वाली है सामने से। देखते हैं कौन सी है, क्या क्या वो मालगाड़ी है या वो पैसेंजर ट्रेन है। स्पीड देखिए गाइस, स्पीड 120 की स्पीड चल रही है। देखिए ये तो कोई एक्सप्रेस ट्रेन है। इंजन देखिए कितना प्यारा इंजन है, बड़ा अच्छा कलर है इंजन का। ये SLR कोच, ये जनरेटर कार और ये AC कोचेस, ये तो AC कोचेस ही थे पूरे उसमें। ये देखिए आप, ये जनरेटर कार का जो साउंड का जो फील है एकदम रियल के जैसा है। तो ये मैंने तमिल रेल गेमर्स TRG, जो तमिल रेल गेमर्स यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया है कंसिस्ट। तो स्पीड देखिए आप कितनी बढ़िया स्पीड है। तो आप में से कौन कौन ट्रेन फैन है ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप लोग आजकल देखते हैं कि ट्रेन में व्लॉगिंग भी होती है, और ये एक तरह से डिजिटल व्लॉगिंग है। स्पीड देखिए, कोई बता सकता है कि अब अगला कौन सा स्टेशन आएगा? जैसे कि लास्ट जो था हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन था, तो अब अगला कौन सा आएगा बताइएगा ज़रूर। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नई दिल्ली से मथुरा के बीच में कौन कौन से स्टेशन आएंगे, क्योंकि ये वाला वीडियो जो है इसमें हम आज मथुरा तक ही जाएंगे इस पार्ट में, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें मैं मथुरा से आगे का सफ़र तय करूँगा। तो देखिए सामने से मालगाड़ी, लगता है मालगाड़ी आ रही है। नहीं ये तो कोई एक्सप्रेस ट्रेन है। नहीं, दुरंतो दुरंतो एक्सप्रेस है ये तो। ये भी बहुत बढ़िया गाड़ी है दुरंतो, बताइएगा ज़रूर किस किस ने सफ़र किया है दुरंतो में। साउंड देखिए, साउंड इफेक्ट कितना बढ़िया आ रहा है ट्रेन का। साउंड में जो है रियलिटी आ रही है एकदम, ये साउंड से आवाज़। देखिए हम लोग एक स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है, तो बताइएगा ज़रूर कि कौन सा स्टेशन है। देखिए हम लोग, लगता है हमारा स्टॉप नहीं है यहाँ पे। नहीं, हमारा स्टॉप नहीं है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्पीड पे निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये डीजल लोकोमोटिव है खड़ा हुआ, रायपुर का है। बड़ी अच्छी आवाज़ है मगर इस लोकोमोटिव की। रेड सिग्नल है, हमारी ट्रेन निकल रही है इसलिए शायद ये रेड सिग्नल पे रुका हुआ है। आइए सफ़र कंटिन्यू करते हैं। स्पीड देखिए, बहुत ही अच्छी स्पीड पे जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग ये भी देखिएगा कितनी ट्रेनों के साथ हम लोग, मतलब कितनी ट्रेनें हमारे साइड से निकलती हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके किसने काउंट किया कितनी ट्रेनें निकली हैं साइड से। बहुत ही अच्छा सफ़र चल रहा है, VAP 7 इंजन है। तो गाइस बताइएगा ज़रूर कि VAP 7 और VAP 5 में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हम लोग जानते हैं VAP 7 है, VAP 5 है, दोनों का कलर देखें तो एक ही है, मगर डिफरेंस बताइएगा ज़रूर क्या डिफरेंस है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे और वीडियोस में डालता रहूँगा। और बताइएगा ज़रूर आगे मैं कौन सी ट्रेन का वीडियो डालूँ, अभी तक तो कोई ट्रेन दिखी नहीं रही है साइड में। वैसे सफ़र बड़ा अच्छा चल रहा है। देखिए ऊपर रोड था, जनरेटर कार का स्मोक देखिए एकदम रियल है।
एकदम रियल ट्रेन का एहसास देता हुआ। और अभी हमारी स्पीड है कुछ 54। देखिए कारें खड़ी हुई हैं, तो एक और स्टेशन आ गया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कौन सा स्टेशन है। स्पीड देखिए, स्पीड बहुत अच्छी है, स्पीड पे जा रही है ट्रेन। साउंड को देखिए, बहुत ही अच्छा रियल साउंड लग रहा है एकदम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस ने भोपाल शताब्दी में सफ़र किया है, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए बढ़िया सफ़र हमारा चल रहा है, अच्छी स्पीड में हम लोग चलते जा रहे हैं। नेचर देखिए, नेचर ट्रीज और आसमान देखिए, आज बढ़िया है, बादल हैं, नीला आसमान। स्पीड देखिए, स्पीड भी बहुत बढ़िया है वैसे। ये देखिए गाइस, एक और स्टेशन आ गया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कौन सा स्टेशन है। देखिए बड़ा स्पीड में क्रॉस किया है ये वाला स्टेशन। बढ़िया सफ़र चल रहा है अभी भी। देखिए आगे कोई ट्रेन है राइट साइड में, ये भी कोई बढ़िया ट्रेन है। एसी कोचेस लगे हुए हैं। आइए देखते हैं इसका लोकोमोटिव कौन सा है। डीजल लोकोमोटिव है इसका। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर ओवरहेड वायर भी लगी हुई है रियलिटी के लिए, ताकि और रियल लगे गेम। तो आप देख सकते हैं ऊपर ओवरहेड वायर भी लगी हुई है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ओवरहेड वायर में जो वोल्टेज रहता है वो कितना वोल्ट रहता है। देखते हैं कि कितने लोगों को मालूम है सही जवाब इसका। देखिए सामने कोई ट्रेन खड़ी हुई है जी, डीजल लोकोमोटिव के साथ। काफ़ी लंबी ट्रेन है ये, तो काउंट करके ज़रूर बताइएगा कितने डब्बे हैं, कोशिश कीजिएगा। देखिए तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, अब ख़त्म हो डब्बे। लीजिए एक और ट्रेन खड़ी हुई है, लगता है काफ़ी बिजी रूट है, इस वजह से काफ़ी ट्रेनों को सिग्नल देके रोका गया है। हमारी ट्रेन को अच्छा है कि कोई सिग्नल नहीं है, आराम से मस्ती से स्पीड में हम लोग जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही हम चलेंगे तो टाइम से पहुंच जाएंगे मथुरा जंक्शन। देखिए कितना बढ़िया कर्व लिया है ट्रेन ने, ये जनरेटर कार और बाकी कोचेज। बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। देखिए स्पीड, मैं ये जो लैंडस्केप है थोड़ा इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि क्योंकि ये थोड़ा लोड सही से हो नहीं पाया, इस वजह से ये साइड में ऐसा लग रहा है जैसे पानी है, मगर वो पानी नहीं है, वो ज़मीन है। पर अब कोशिश करूँगा जो उसको मैं ठीक करूँ। देखेंगे यहाँ पे हम लोग टर्न लेते हुए। लीजिए एक और स्टेशन, तो बताइएगा ज़रूर ये कौन सा स्टेशन है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा स्टेशन है। लीजिए ये स्टेशन भी हम लोग बहुत स्पीड में क्रॉस कर रहे हैं, तो नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं। मुझे लगा था कहीं पे हो सकता है सिग्नल लेके थोड़ा देर तो रोकेंगे, मगर कहीं भी नहीं रुके।
शताब्दी एक्सप्रेस। अगर आपको याद हो पूरा पार्ट वन में पुराने वीडियो में शुरू शुरू में हम लोग बहुत धीरे चले थे क्योंकि तब ओरिजिनेट हुई थी ट्रेन, तो थोड़ा शुरू शुरू में धीरे थी, मगर अब उसके बाद देखिए आप क्या स्पीड पकड़ी है, बहुत बढ़िया स्पीड। देखिए कितनी लंबी ट्रेन है, देखिए अभी भी ये इंजन के अंदर का, ये ट्रेन के अंदर देखिए सीट्स सेम ऐसे ही रहता है रियल में भी, बहुत बढ़िया। साउंड देखिए गाइस, साउंड बहुत बढ़िया आ रहा है इसका। अगर आपकी भी कोई मेमोरी है शताब्दी एक्सप्रेस से रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका सफ़र कैसा था पहली बार जब आप गए। और बताइएगा आगे और कौन से ट्रेन्स के मैं वीडियो डालूं। देखिए ये कर्व पे मैंने रोक दिया कैमरा, देखिए कितना बढ़िया स्पीड में हुआ है टर्न, देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। बस अब थोड़ी देर और हम थोड़ी देर बाद मथुरा जंक्शन पहुंच जाएंगे। देखिए स्पीड देखिए गाइस, बहुत बढ़िया स्पीड में हम लोग जा रहे हैं। देखिए जनरेटर कार से देखिए धुआं निकल रहा है। ये जनरेटर कार का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे कि ट्रेन में जैसे एसी एसी चाहिए तो एसी को चालू रखने के लिए जनरेटर कार्स का यूज़ किया जाता है टू जनरेट पावर, ताकि वो पावर जो है हम यूज़ कर सकें एयर कंडीशनर्स चलाने में, लाइट्स और जो भी चीज़ें हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं शताब्दी एक्सप्रेस है तो इसमें कैटरिंग सर्विस भी होती है, तो जो कैटरिंग स्टाफ है उनके जो वो लंच बॉक्सेस रहते हैं जिनको गर्म रखना होता है, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। तो गाइज मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, ये ट्रेन में कैटरिंग सर्विस भी रहता है, कैटरिंग खाना बहुत बढ़िया रहता है। तो किस किस ने इस ट्रेन में कटलेट खाया है बताइएगा ज़रूर। मॉर्निंग में कटलेट रहता है, ब्रेड ऑमलेट या ब्रेड बटर और टी टी भी रहती है, बताइएगा ज़रूर किस 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 को याद आया वो सब। तो बहुत बढ़िया स्वाद रहता है, जो मॉर्निंग की टी रहती है वो बढ़िया अच्छी रहती है, वो डिप टी, उसके लिए साथ में अलग से वाटर भी देते हैं वो लोग कैटल में। तो बताइएगा ज़रूर गाइस कैसा लग रहा है आपको ये सफ़र। आगे मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आप सबको अच्छा लगे। बस अब थोड़ी सी देर और हम पहुंच जाएंगे मथुरा जंक्शन। तो गाइज आप लोग को याद होगा शताब्दी एक्सप्रेस में अनाउंसमेंट किया जाता है और डिस्प्ले भी रहता है टीवी के अंदर, तो उसमें लिख के भी आता है कितना किलोमीटर्स बाकी रह गया है, और अनाउंसमेंट भी की जाती है कि जिन यात्रियों को उतरना है वो कृपया करके गेट के पास आ जाएं, वो स्टेशन आने वाला है। तो किस किस को वो सब याद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए एक और स्टेशन हम क्रॉस करते हुए, बताइएगा ज़रूर ये कौन सा स्टेशन है। अब आगे एक बहुत प्यारा कर्व आ रहा है, लीजिए यहाँ से ये कर्व। तो अब हम लोग मथुरा जंक्शन पहुंच रहे हैं, देखिए हमारी स्पीड भी थोड़ा थोड़ा कम हो गई है।
जी गाइस, हम लोग मथुरा की ओर पहुंच रहे हैं। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहुंचेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है वेब 7। पीछे जनरेटर कार का साउंड भी बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। देखते हैं गाइस कौन से प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाते हैं। वैसे आप लोग बताइएगा ज़रूर कि शताब्दी एक्सप्रेस को वैसे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाती है गाड़ी, ये एक पे या दो पे बताइएगा ज़रूर। देखिए आगे ट्रैक चेंज होगा, मेरे हिसाब से हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग ट्रैक चेंज करते हुए देखिए कितना प्यारा लग रहा है ट्रैक चेंज करते हुए। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। तो लीजिए हम लोग पहुंच गए हैं मथुरा जंक्शन। तो ये वीडियो मथुरा जंक्शन तक है, इसका आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो लीजिए हम लोग मथुरा जंक्शन में एंटर होते हुए अभी हम लोग प्लेटफॉर्म पे जाके रुकेंगे, फिर देखते हैं कितना मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे, फिर आगे का सफ़र हम लोग तय करेंगे। अब यहाँ से लीजिए स्टेशन पे पहुँचते ही देखिए अनाउंसमेंट की साउंड भी आ रही है, एकदम रियल ऐसा लग रहा है जैसे असली में हम लोग स्टेशन पे हैं। तो मैं मेन वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं जैसे कि जानता हूँ कि आज के वक्त में काफ़ी लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं ड्यू टू बिज़ी लाइफस्टाइल या जॉब से छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो मैं ये ट्रेन का सफ़र का वीडियो डाल के उनको एक एंटरटेनमेंट फील कराना चाहता हूँ कि देखिए कैसा लगता है, मतलब जब ट्रेन में जर्नी करते हैं एक तरह से वर्चुअल जर्नी कह सकता हूँ मैं कि एक तरह से वर्चुअल जर्नी है ये। तो सोचिए जब रियल में करेंगे तो कितना बढ़िया लगेगा, तो इसलिए ट्रैवलिंग करना ज़रूरी है, ट्रैवलिंग किया कीजिए, मूड इससे फ्रेश होता है, अच्छा लगता है। देखिए अभी भी हम लोग चल ही रहे हैं, अभी तक रुके नहीं हैं प्लेटफॉर्म पे। यात्री भी खड़े हुए हैं बाहर। अभी भी ट्रेन नहीं रुकी है, देखते हैं और कितना आगे लगता है, बहुत आगे जाके रुकेगी ट्रेन। ऐसा लग रहा है रुकने वाली है, रुक गई। तो लीजिए गाइस हम लोग मथुरा जंक्शन पहुंच चुके हैं। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी, इसका आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है मथुरा जंक्शन पे, हम लोग पहुँच चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।